Ram. Thank you very much for this nice welcome. इससे पहले कि हम कलाम में आगे बढ़ें, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने सरों को झुकाएं. मेरे लिए तो खुदा के बंदी ने भी, खुदा के बंदे ने भी दुआ की. मैं कुछ लम्हे आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि खुदा आपको भी कलाम के लिए तैयार करें. कलाम सुनाने वाले पे तो खुदा की बरकत होती है क्योंकि उसने खुदा का मुंह बनना होता है. कलाम सुनने वालों के ऊपर भी खुदा की बरकत हो क्योंकि शैतान अगर और किसी चीज़ के पीछे ना भी पड़ा हो तो हमारे ईमान और उस कलाम को जो खुदा की तरफ से हमें मिलता है उसे छीनने के लिए हर वक्त कोशिश करता है. तो आए हम इस बात के लिए दुआ करें कि जब खुदा ने हम पे ये बरकत बख्शी है कि हमें अपने कदमों में लेके आया, हम जब हम पे ये फजल और ये करम किया है कि हमें अपने घर में लिया है, अपने कदमों में लेके आया, अपनी हमद व सितायश हमसे कराई है और अब हमसे जब वो बोलने को है तो खुदा हमारे दिलों को तैयार करे, हमारे कानों को तैयार करे, हमारे जहन को तैयार करे, हमारे जिस्म को तैयार करे. हम ना सिर्फ इस कलाम को सुने, ना सिर्फ इस कलाम को हम अपने दिल में लें, बल्कि ये कलाम हमारे पूरे बदन में, हमारी पूरी रूह में सराइयत कर जाए ताकि हम उसके साथ एक रूह हो सकें. आए रहीम खुदा, तेरे इस बड़े करम के लिए तेरे शुक्र करते हैं. मैं इस बात का ईमान रखता हूँ कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो तेरी बरकत को क्लेम कर सके, लेकिन खुदावन ये तेरा बड़ा फजल है, तेरा बड़ा करम है कि खुदावन तू हमें अपने घर में लेकर आया है और इस वक्त तू हमसे बोलने को है. खुदावन हमें अपने कलाम सुनने के लिए तैयार कर, हमारे कानों को खोल, हमारे दिलों को खोल और खुदावन हमें इस कलाम को पूरी साफ दिली के साथ, पूरी खुदावन रूह के साथ और पूरे अपने तन बदन के साथ कबूल करने की तौफीक दे. मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन. एक गवाही जो मैं हमेशा आपके साथ इस हवाले से शेयर करता हूँ वो खुदा का शुक्र है, ये है कि जो भी खुदा कलाम मुझे यहाँ आपके साथ शेयर करने के लिए देता है वो आपके साथ शेयर करने से पहले मेरी अपनी ज़िंदगी की गवाही होती है. और खुदा का शुक्र है कि शायद इस कलाम की मुझे आपसे ज़्यादा ज़रूरत थी और खुदा ने ये कलाम मुझे दिया. और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने जैसी मेरी ज़रूरत थी, जैसी मेरी हालत थी, जैसे मेरे हालात थे, जैसे मेरी सोच थी, जो जिस ईमान के लेवल पर मैं था, मुझे इसके हर ख्याल और हर सोच के साथ, ईमान के साथ मैं आपके साथ ये कह रहा हूँ और पूरी वफादार सच्चाई के साथ आपके साथ ये कह रहा हूँ कि ये कलाम ऐन मेरी ज़रूरत और हालत के मुताबिक था. और ये मांगा जब मैंने तो खुदा कलाम जमात के लिए, तो मेरा ईमान है कि खुदा ने ये आपकी ज़रूरत के मुताबिक भी ये कलाम किया है. इसी तरह से हम जिस तरह हर दफ़ा मैं कोशिश करता हूँ कि खुदा मुझे मेरी समझ और अकल के मुताबिक, खुदा से ये दरख्वास्त की है क्योंकि मेरी नाकस अकल और समझ के मुताबिक मुझे कलाम दे, तो खुदा मुझे बड़े सिंपल तरीके से कलाम को सिखाता है. इसी तरह से खुदा ने मुझे इस दफ़ा भी सिखाया है और उसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगा. हम इस कलाम को सीखने के लिए जिस रेफरेंस स्टोरी को इस्तेमाल करेंगे या जिस वाक्य के ऊपर हम बातचीत करेंगे वो भी एक काफ़ी आम फहम वाक्य है, खुदा का एक मौजज़ा है जो हम बचपन से सुनते आए हैं. लेकिन खुदा का कलाम हर हालत, वही अल्फाज, वही आयात, हर वक्त और हर जगह, हर वक्त हमारी हालत और ज़रूरत के मुताबिक हमारे साथ कलाम करती हैं. मैं खुदा से ये दरख्वास्त करता हूँ और ईमान भी रखता हूँ कि जिस तरह से इस कलाम ने मुझे बरकत दी, ये कलाम आपको भी बरकत दे, आमीन. आज का कलाम हर उस रूह के लिए है और हर उस जिंदगी के लिए है जो इस वक्त खुदा से कुछ हासिल करने के इंतजार में है. आपने अगर कोई खुदा के सामने दरख्वास्त रखी हुई है या कोई आपने उससे दुआ मांगी हुई है या उसने कोई वादा आपसे किया हुआ है जिसको पूरा होने का इंतजार आप कर रहे हैं, या किसी मायूसी ने या किसी नाउम्मीदी ने अगर आपका रास्ता रोका हुआ है, या कोई ऐसी सोच या ऐसा ख्याल आ गया है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो आपको जिस्मानी और रूहानी तौर पर बढ़ने नहीं दे रहा, तो आज का कलाम आपके लिए है. और अगर आप किसी और बरकत की तलाश में हैं जो जिस्मानी या रूहानी तौर पर हो, तो भी आपका आज का कलाम आपके लिए है. हम कलाम को इसी तरह से साथ सीखते जाएंगे और मैं इस वाक्य को उन्हीं पार्ट्स में ब्रेकअप करूँगा जिस तरह से खुदा ने मुझे सिखाया
मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको भी मैं इसी तरह पहुंचाऊं। हम जिस हवाले को आज फॉलो करेंगे वो है मरकस, उसका पांचवा बाब और उसकी 21वीं आयत से। अगर आपके पास बाइबल है उसको खोल लें, अगर आपके पास मोबाइल पे या और भी किसी जरिए से खुदा का कलाम है तो उसको खोल लें। अगर आपको बाइबल की ज़रूरत है तो बाइबल्स पीछे मौजूद हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप खुदा के कलाम को अपने सामने रखें ताकि आयत बा आयत, हर्फ बा हर्फ और हिस्सा बा हिस्सा जिस तरह से कलाम खुदा हमारे साथ शेयर करे हम उसको सीखें। 9 बजने में भी 20 मिनट हैं, कोशिश करेंगे कि 20 से 25 मिनट में जो कलाम की जिस्ट है वो आप तक पहुंचे। आप इसे घर जाके जितना भी एक्सपेंड करना चाहें, मुझे जो कम से कम टाइम लगा इसको सिर्फ रिवाइज करके आपके लिए तैयार करने में वो 2 घंटे था। इसका मतलब है कि मैं 2 घंटे से ज्यादा इस पर बोल सकता हूँ, लेकिन खुदा का कलाम ऐसा है कि उसे ना अल्फाज की जरूरत है ना किसी इंसान की ज़रूरत, उसका रूह आपके रूह के साथ मिलकर कलाम करेगा। तो हम इसको 20 से 25 मिनट में रैप अप करने की कोशिश करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं खुदा के कलाम से, मरकज उसका पांचवा बाब और उसकी 21वीं आयत से। जब यीशु फिर किश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था और इबादत खाना के सरदारों में एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपना हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। हम इस हवाले को पढ़ते रहेंगे लेकिन इसको हम तोड़ तोड़ के कलाम को साथ साथ सीखने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने जितना इस वाक्य को पढ़ा है वहाँ पे हम एक बाप को देखते हैं जो है तो इबादत खाने का सरदार और इबादत खाने का के सरदारों में से एक शख्स है। यानी ये हम कोई ऐसा राह चलता हुआ फकीर, कोई महसूल लेने वाला, कोई गुनहगार या कोई नॉर्मल शख्स नहीं है। Someone who has a dignified place in the society. एक ऐसा शख्स जिसको definitely लोग जानते होंगे, उनका सरदार है। अगर आप यही समझ लें कि अगर किसी इबादत खाने का पादरी है या कोई बिशप है या सरदार है तो definitely ये संबंध जिसको लोग पहचानते होंगे, लेकिन अभी वो मजबूर है क्योंकि उसकी छोटी बेटी बीमार है और इस हद तक बीमार है कि उसे लगता है कि अगर उससे शिफा नहीं पाई तो वो मर जाएगी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कलाम में लिखा है, क्योंकि उसकी दरख्वास्त ये है कि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। कलाम को अगर आप गौर से पढ़ें तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो ये एक शख्स है जो कि वैसे एक मकबूल शख्स होगा, एक मारूफ शख्स होगा, लेकिन इस वक्त वो और ये इबादत खाना का अगर सरदार है तो आप इसकी हिस्ट्री डिग आउट कर लीजिएगा, लेकिन अगर ये यहूदी है या इसराइली है तो ये उस जमात में से है जो कुल तौर पर यीशु पर ईमान नहीं लाए, जो कलाम जब खुद यीशु की जो मुखालफत हो रही है उसकी जो सबसे बड़ी जमात है शायद ये उसका एक अहम रुकन हो। बट अब वो किस हालत में है, वो इस हालत में है कि वो आके खुदा से क्लेम नहीं कर रहा बल्कि वो खुदा से मिन्नत कर रहा है और मिन्नत सिर्फ खड़ा होके हाथ जोड़ के नहीं कर रहा बल्कि उसके कदमों पर गिर कर रहा है। इसमें बहुत सारी बातें हैं सीखने को। हम जिस ख्याल की तरफ जाएंगे वो सिर्फ ये है कि अब उसके दिल की ख्वाहिश इस हद तक पहुंच गई है कि वो इस बात की परवाह नहीं कर रहा कि मेरा माशरे में क्या मकाम है। हमारे दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, खुदा की खिदमत करने की भी ख्वाहिश हमारे दिल में होती है, लेकिन हमारी ख्वाहिशें सारी एक लेवल की नहीं होती। कुछ के लिए हम ख्वाहिश करने की हद तक तैयार होते हैं, कुछ के लिए हम दुआ करने की हद तक तैयार होते हैं, कुछ के लिए हम आंसुओं से दुआ करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ के लिए हम गिड़गिड़ा कर घुटनों पर आकर दुआ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक ख्वाहिश ऐसी है यहाँ पर जिसके लिए वो खुदा के कदमों में गिरा हुआ है। तो आप अंदाजा करें, और ये बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि उसकी दरख्वास्त क्या है, उसकी दरख्वास्त अपनी औलाद के लिए है और स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि उसकी छोटी बेटी है। मैं हमेशा खुदा के कलाम को सीखता हूँ तो इस बात आई ऑलवेज मार्वल ऑन द फैक्ट, इस बात का जरूर शुक्र करता हूँ और इस बात पे अच्छा महसूस करता हूँ कि उसमें हर वर्ड हर डिटेल, डिस्पाइट कि ये इतनी सी किताब है, इतनी सी है जिसके बारे में हम कहते हैं कि खुदा ने जो काम किए बहुत सारे हो सकते लिखे जा सकते थे,
तो यहाँ पे भी इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि ये खुदा का कलाम है, कि ये किस तरह से माइन्यूटली, जिस तरह से एक जेवर, जिस तरह से एक सुनार जेवर बुनता है, इस तरह से इसकी आयतें और उससे कहीं बेहतर उसकी आयतें बुनी गई हैं। तो वो जो उसकी दरख्वास्त की हद है वो इस वजह से इस लेवल पे है क्योंकि वो अपनी औलाद के लिए और अपनी छोटी बेटी के लिए, बाप है तो बेटी के लिए क्या फीलिंग्स हैं, उसके लिए अपनी इज्जत, नामूस, अपना हैसियत, अपना दर्जा सब एक तरफ है और वो अकेले में खुदा के कदमों में नहीं पड़ा हुआ। ये भी कलाम ने मेंशन किया कि भीड़ बहुत है, उसके बीच में एक सरदार आता है और उसके कदमों में गिरता है। जब आपकी ख्वाहिश उस लेवल पे पहुंच जाए कि आपको अपने इर्द गिर्द और कुछ नज़र ना आए, तो उस वक्त खुदा का रिस्पांस क्या होता है वो आप अगली आयत में पढ़ते हैं। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए, बस वो उसके साथ चल पड़ा। तो जब वो उसने, जब यीशु ने महसूस किया कि इसकी ख्वाहिश, इसकी दरख्वास्त, इसकी उम्मीद मुझसे ऐसी है, तो यीशु ने उससे तरद्दुद नहीं किया, यीशु चुप करके उसके साथ चल पड़ा। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी से कंपेयर करें या मैं इसको अपनी ज़िंदगी से कंपेयर करूं, तो मैं ये कहूंगा कि मैंने खुदा के सामने अपनी दरख्वास्त रख दी और खुदा ने इसका मुझे जवाब दे दिया। क्योंकि अगर वो उसके साथ चलने को तैयार है तो वो उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता कि वो चले और कुछ कर कर ना आए। When he has decided to go with him, तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम किसी इंसान की बात नहीं कर रहे कि जब वो दुआ जा, शायद उसके घर में जाके दुआ करेगा तो शायद उसकी बेटी ईमान शिफा पालेगी। यहाँ जिसने शिफा देनी है वो खुद उसके साथ उठकर चल पड़ा है, यानी दुआ मांग ली गई है और जवाब मिल चुका है। अगर उसका ईमान है इतना, तो जब यीशु ने एग्री कर लिया है तो इसका मतलब है कि वो उसकी बेटी को शिफा देने उसके घर चल पड़ा है। यहाँ कुछ ख्यालात हैं जो इसके साथ खुदा ने मुझे सिखाए। दो वाक्यात हैं, एक वाक्य है जो इसी हवाले में आगे मिलेगा, और एक अगर आपको याद हो तो जो सूबेदार का नौकर है, जिसके लिए सूबेदार आता है, उसकी दरख्वास्त क्या थी? उसने नहीं कहा कि तू मेरे साथ चल, उसने कहा तू जुबान से ही कह दे तो मेरा नौकर, यानी यीशु में ये कुदरत थी, हम इस बात का यकीन रखते हैं कि अगर वो यायर को वही कह देता तो उसकी बेटी, लेकिन वो उठ के उसके साथ चल पड़ा। और अगर यीशु चला है तो इसका मतलब है कि अभी कुछ यायर की जिंदगी में होना बाकी है, अभी उसका अपनी दरख्वास्त को पूरा होने में कुछ स्टेप्स बाकी हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, जिस तरह से खुदा ने मुझे सिखाया है, उसका मकसद सिर्फ उसको, उसकी बेटी को शिफा देना ही नहीं था। खुदा का मकसद हमें सिर्फ उस दुआ का जवाब देना नहीं होता जो हम उससे करते हैं, बल्कि वो उस दुआ को एक मौका समझता है जिसके वसीले से वो हमारी जिंदगी को तब्दील कर सके। तो देयर इज अ प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन। हम ये समझते हैं कि हम यहाँ रो रो के दुआएं मांग रहे हैं और खुदा को जवाब नहीं दे रहा, मे बी शायद वो मेरी दुआ नहीं सुन रहा, मे बी वो मेरे आंसू नहीं देख रहा। शैतान इसी तरह से हमारी दुआ के असर को और दुआ के ईमान को हमसे छीन लेता है। लेकिन यीशु ने कहा कि जब ये इस लेवल तक आ गया है, एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसकी बेटी को शिफा दे दूंगा, तो वो सिर्फ इस दुनिया में बीमारों को शिफा देने नहीं आया, वो जिंदगियां तब्दील करने आया था। तो जब अब उसे महसूस हुआ कि ये अपनी खुदी का इनकार कर चुका है, ये जब मेरे कदमों पर आ चुका है, तो इसका मतलब है कि अब मैं इसकी जिंदगी को तब्दील करूं। तो उसकी जिंदगी को तब्दील करने में जो पहला स्टेप इस सिलसिले में होता है वो बहुत यूनिक है, और मैंने पहले भी आपसे ये कहा, अगर आप अगली 10 आयात पढ़ेंगे तो उसमें एक डिफरेंट मौजज़ा है। अभी हमने जब सूबेदार की के नौकर की बात की, तो उसने क्या कहा कि अगर तू अपनी जुबान से कह दे, इसके बाद जो मौजज़ा है वो इससे भी एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फेथ की बात है, इससे भी एक ऊपर ईमान के लेवल की बात है। क्योंकि अब इस रास्ते में कौन मिला है?
एक ऐसी औरत मिली है जिसके 12 बरस से खून जारी है। अगली 10 आयात आप पढ़िएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वाक्य को आप जानते हैं, लेकिन मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में आपको उसमें लेके आता हूँ। इसमें दो ख्यालात हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। एक शख्स है जो अपनी बेटी की शिफा के लिए उसके पाँव में पड़ रहा है, लेकिन एक और औरत है जिसका ईमान इस लेवल का है कि अगर मैं उसके पोशाक के किनारे को ही छू लूंगी तो मैं, ये है इस बात की गवाही कि क्रिश्चियन लाइफ एक शख्सी जिंदगी है, एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद द जीसस क्राइस्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई मजहब नहीं है, क्योंकि जितने मैंने आपके सामने तीन मिसालें रखी, तीनों का इंटरेक्शन यीशु के साथ फर्क फर्क है। हमारा ईमान का एक सिंगल मेयार नहीं है, इट इज़ योर रिलेशनशिप विद हिम। इसीलिए हम हर दफ़ा यहाँ से कहते हैं कि लोगास को रेमा में कन्वर्ट करें, क्योंकि जो आपके लिए रेमा है वो उस रेमा से मुख्तलिफ है जो किसी और के लिए है। अगर आप सिर्फ खुदा के घर में चंद रटी रटाएँ दुआएं पढ़ने आते हैं, चंद गीत गाने आते हैं और यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाते, जब उसने मन आसमान से बरसाया था तो ऐसा नहीं था कि वो चाहता तो रोटियाँ भी सिर्फ आसमान से आ सकती थी, लेकिन वहाँ से उन्हें वो मन कलेक्ट करना था, उसे पीसना था, उससे आटा बनाना था और उससे रोटियाँ बनानी थी। तो देयर इज ऑलवेज अ पार्ट दैट यू हैव टू प्ले इन रिसीविंग योर ब्लेसिंग। हम वापस इस तरफ आते हैं, आपको क्या लगता है? अब यार की पोजीशन देखें, उसकी बेटी मरने के करीब है। एज अ फादर, एक बाप की हैसियत से उसको कितनी जल्दी होगी कि वो यीशु को लेके फौरन अपने घर पहुंचे, लेकिन रश बहुत है और रश के बीच में अब एक डिस्ट्रैक्शन आई है कि एकदम से यीशु रुक गए हैं और अब वो रुक के पूछ रहे हैं कि किसने मुझे छुआ है, क्योंकि मुझ में से। हम अपना फोकस यायर पे रखते हैं, यार कहीं करीबी होगा, वो क्या सोच रहा होगा, अब ये क्या हो गया, मैं तो लेके जल्दी यीशु को घर पहुंचूं और ये यहां पे एक अलग मजमा लग गया। वो कह तो नहीं पा रहा होगा यीशु को कि यीशु जल्दी, जिस तरह हम नहीं कहते यीशु 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए दुआ किए हुए, क्या हो रहा है, कुछ जवाब नहीं आ रहा, कुछ फीलिंग नहीं आ रही, कुछ चीज़ होते हुए महसूस नहीं हो रही। उसके दिल में तो यही चल रहा होगा ना, और वो इतना मुस्कुराते हुए नहीं होगा क्योंकि वो तो आंसुओं में होगा। उसकी बेटी, आपका कोई अगर मरीज़ दाखिल हो और तकलीफ़ हो उसे कोई, तो आप जिस तरह से डॉक्टर के पीछे भागते हैं फिर उसको पकड़ के लेकर आते हैं कि ये देखो कि इसको क्या हो रहा है, उसके दिल में भी तो मोर लेस यही फीलिंग होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यीशु रुक के पूछ रहा है ये कौन है जिसने मुझे छुआ, रसूल कह रहे हैं लोग तुझ पे गिरे पड़ते हैं, तू कह रहा है ये किसने मुझे छुआ। यार क्या खड़ा हुआ वहाँ पे सोच रहा होगा, उसकी फीलिंग का अंदाज़ा करें। ये वो फीलिंग है जो हमारी होती है, यीशु मैंने खादमों से भी दुआ करा ली, जो बरकत मैं मांग रहा हूँ मुझे तो मिल नहीं रही, किसी और को मिल रही है मेरे साथ ही, मैंने एक अच्छी नौकरी के लिए दरख्वास्त की मुझे तो मिली नहीं, दूसरे को मिल गई, मैं अपनी बेटी और अपने बेटे के रिश्ते के लिए दरख्वास्त कर रहा हूँ और कार्ड मुझे दूसरे घरों से आ रहे हैं, उनको सब बरकतें मिल रही हैं, मैं ऐसे ही बैठा हूँ। तो दीज आर वेरी, ये आपके नहीं आती होंगी, आप लोग ईमान में बहुत मजबूत होंगे, ये मैं आपको अपनी हालत बता रहा हूं।
अब सारा सिलसिला अल्टीमेटली रैप अप हो जाता है। यीशु से कहता है कि जा बेटी, तेरे ईमान से तूने शिफा पाई। तो जब यायर ये सारा सिलसिला कंप्लीट होते देख रहा होगा तो अब उसने दोबारा हिम्मत पकड़ी होगी। क्योंकि एक बात सोच के बताएं, क्या इस वाक्य में यायर यीशु के पीछे चल रहा है या यीशु यायर के पीछे चल रहा है? ये जो सफर तय हो रहा है झील से उतर कर यायर के घर जाने में, उसमें आगे कौन होगा? क्योंकि वो यीशु को अपने घर लेके जा रहा है और वो जब मुड़ के पीछे देखता है यीशु फिर किसी और काम में लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि ये मौजज़ा भी यायर को ये बात सिखाने के लिए होगा कि ये जो तूने पूरा एक्ट परफॉर्म किया कि तू आया, तू मेरे कदमों में गिरा, तूने मन्नत की, ठीक है, तूने फिर मुझे तरीका भी बताया। अब वापस आए इस बात के ऊपर, उससे मिन्नत करके कहा कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर उस पर हाथ रख। प्रोसेस बता रहा है वो यीशु को साथ, तू आकर, तू यानी मेरे घर आ, उस पर हाथ रख और उसको अच्छा कर ताकि वो जिंदा रहे। यही हमारी दुआ का भी तरीका है, मुझे ये नेमत इस तरह से, इसके वसीले से इतने टाइम में चाहिए। हम भी ऐसी दुआ करते हैं, बड़ी स्पेसिफिक दुआ होती है कि मुझे इसी बैंक से इतने ही पैसों की इतने देर में नौकरी चाहिए, मुझे इसी लेवल की के घर में इसी इतनी ही आमदनी वाला दामाद या बहू चाहिए, इतना ही क्वालिफाइड पर्सन मुझे अपनी ज़िंदगी का साथी चाहिए। हम खुदा को से दरख्वास्त नहीं करते, बट हम एक विश लिस्ट उसको पेश करते हैं। और मैं जो मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ वो ये है कि खुदा इसको नेमत देने का ज़रिया नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी को बदलने का एक मौका समझकर हमें वो बरकत देने का हमसे वादा करता है। क्योंकि अगर हम ये क्लेम करें कि खुदा की तरफ से हमें बरकत मिली है और गुनाह में ज़िंदगी गुजारें तो इसका मतलब है कि हम खुदा के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं, कि खुदा उनको भी नेमतें देता है जो उस नेमत को हासिल करने के बाद भी चलते शैतान के साथ ही हैं। तो जब एक तरफ हम खुदा से दुआ करें और दूसरी तरफ शैतान का साथ दें तो ये भी एक वजह हो सकती है कि हमारी दुआएं कबूल ना होती हों। कहाँ तक हम पहुँचे यार के साथ? अब इस वाक्य से यायर ने कम से कम ये महसूस किया होगा कि जिसने इस तरह से गिड़गिड़ाया नहीं, जो इस तरह से रोया नहीं, जिसने ये नहीं कहा कि मुझे अपने साथ अपने घर लेके जा, उसने भी शिफा पाई है। इसमें हमारे सीखने के लिए क्या है? हमारे सीखने के लिए ये है कि खुदा से मांगते हुए इतना तरद्दुद ना किया करें, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हमारे अमल से हम उसको पसंद आ जाएं। वो अपना कर्म हम पे किसी भी हालत में कर सकता है। और ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि कई दफ़ा शैतान हमें बहुत सारी बरकतें इसलिए यीशु से हासिल नहीं करने देता या हमारी हिम्मत नहीं बनती, क्योंकि हम ये सोचते हैं शायद अभी हम इस बरकत के लायक नहीं हैं। अगर आप कोई भी दरख्वास्त करते हुए यीशु को डिसाइड करने दें कि क्या आप इस बरकत को हासिल करने के लायक हैं या नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर यू टू डिसाइड।
मैं बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी बातें आपसे कर रहा हूँ, मेरा ये कलाम होगा वो आप तक पहुँच जाएगा। बहुत सारे ख्यालात हैं, बहुत तेज़ी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम कहाँ तक पहुँचे? हम पहुँचे कि अब यायर जो है फिर उसकी हिम्मत बंधी है कि ये मालिक मेरे घर अब चलने को तैयार है। लेकिन अगर आप 34वीं आयत से पढ़ें तो उसने उससे कहा कि बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी बीमारी से बची रहे। आगे सुने, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदारों के हाथ से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी मर गई। अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है? फिर मैं आपको यार के साथ खड़ा करता हूँ और फिर जब ये खबर उसके कानों में पड़ी होगी तो जिस औलाद के लिए उसने अपनी हैसियत नहीं देखी, अपना रुतबा नहीं देखा, सब चीज़ें कुर्बान कर दी, मालिक के कदमों में आके गिर गया और मालिक को लेकर पहुंच रहा है, उसको खबर क्या मिलती है कि तेरी बेटी मर गई। हमारे साथ कब ऐसा होता है कि जिस जॉब के लिए तू दुआ कर रहा था वो किसी और को मिल गई, जिस शख्स के साथ तू अपना रिश्ता जोड़ना चाहती थी या चाहता था उसकी बात कहीं और तय हो गई, जो प्लॉट या घर तू खरीदना चाहता था वो बिक गया। आप इस पे अपनी दरखास्तें आगे खुद कर लें। सिर्फ उस प्रोसेस को समझे जिससे यीशु यायर को गुजार रहा है। अब उसने यायर ने फिर इस वक्त कुछ नहीं कहा। दोबारा आयत पढ़ते हैं, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी मर गई। अब क्यों उस्ताद को तकलीफ देता है? जो वो बात कह रहे थे यीशु ने तवज्जा ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा। और वक्त की कमी की वजह से हम यहाँ तक बात को रोकेंगे और यहाँ तक के ख्याल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर खुदा ने जब मौका दिया तो हम लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी में किस तरह से ये प्रोसेस चला उसके ऊपर बात करेंगे। आखिरी पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे अभी वो ये है, जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना की। यहाँ यायर की बात नहीं हो रही, यीशु ने उस बात पर तवज्जो ना की और इबादत खाना के सरदार से कहा खौफ ना कर फकत इत्तकाद रख। उसने यार को ये नहीं कहा खौफ ना कर तेरी बेटी जिंदा हो जाएगी, ये यीशु ने उसको नहीं कहा। उसको क्या कहा? इत्तकाद रख। क्यों? उसने यीशु एक बाप को जो इतना दुखी है, क्या यीशु उसको तसल्ली नहीं दे सकता था? यीशु अगर उस वक्त उसको कह देता कि मैं चल रहा हूँ ना, क्या टेंशन है, मैं जा रहा हूँ, मैंने जब ठीक कर सकता था तो मैं जिंदा भी कर दूंगा। ये वो जवाबात हैं जो हम खुदा से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपनी दुआओं के रिस्पॉन्स में कि तू मुझे साफ जवाब दे दे कि करेगा या नहीं करेगा। यही हमारी दरख्वास्त होती है। मेरी जब कोई ऐसी परेशानी होती है मैं भाईजन को फ़ोन करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि जवाब क्लियर कट आ जाए, ये मेरी टेंशन ख़त्म हो। खुदा का शुक्र है कि खुदा अपने खादम की वर्ड की लाज रखता है और हमेशा मुझे जवाब मिलता है। लेकिन मैंने जो इस दफ़ा सीखा वो क्या है, यीशु ने उसको ये नहीं कहा कि तेरी बेटी जिंदा हो जाएगी, उसने उसको कहा फकत एतकाद रख। क्यों? क्योंकि यीशु सिर्फ उसकी बेटी को शिफा देना नहीं चाहता था, He had bigger plans for Yair and his family. वक्त की किल्लत की वजह से हम इस ख्याल को यहाँ रोकते हैं। I will just sum up जो हमने इस कलाम में सीखा। हमने सबसे पहली बात क्या सीखी? अपनी ख्वाहिशों का एनालिसिस करें। कौन सी ख्वाहिश आप हासिल करने के किस लेवल पर हैं? क्योंकि जितनी आपकी जलती हुई ख्वाहिश आपके दिल में होगी उतना ही आपका और यीशु के, आपके सिर का और यीशु के कदमों का फासला होगा। तो जो ख्वाहिशें इस वक्त अभी उस लेवल की नहीं हैं, इसका मतलब है कि अभी तक आपने खुदा से उनको इस तरह नहीं मांगा कि वो आपके साथ उठकर चलने लगे। दूसरी बात, खुदा को अपने तरीके कार के ऊपर मत ढालें। उसे मत बताएं कि जो दरख्वास्त मैं तेरे सामने रख रहा हूँ मैं मानता हूँ, दिस इज़ व्हाट आई प्रिफर, ये मैं समझता हूँ कि मुझे ये बरकत इस तरह मिले तो मुझे बेहतर लगेगा, लेकिन तो भी मेरी मर्जी नहीं, क्योंकि हम तो एसी और पंखे में बैठकर इस तरह की दुआ कर सकते हैं। वो जानकुनी की हालत में था,
पसीना जो था वो गोया खून की बूंदे हुओं के टपकता था, फिर भी उसकी प्रेफरेंस ये थी कि मेरी नहीं बल्कि। और अगर आपने कोई दरख्वास्त की है और वो आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे आसानी से किसी और को मिल रही है, इस पे कभी खुदा ने तौफीक दी तो डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इस कलाम की भी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि ये भी मैंने इसी कलाम से सीखा। आपने खुदा से अपनी बरकत मांगनी है और अपनी आंखें उसकी तरफ ही लगानी हैं, अपने इर्द गिर्द देख के अपने ईमान को कम नहीं करना। चौथी बात, अगर आपको लगे कि अब मज़ीद दुआ करने की ज़रूरत नहीं, तो खुदा का आपके लिए क्या कलाम है, खौफ ना कर फकत एतकाद रख। जब हम खुदा से कोई चीज़ मांगते हैं तो हमारा ईमान ये होना चाहिए, मैंने ऑफ माय माइंड, मैंने नहीं इस 3-3.5 साल के अरसे में जो यहाँ लिखी हैं जितने वाकयात, उसमें ये देखा हो कि सच्चे दिल से खुदा यीशु मसीह के पास कोई आया हो और यीशु ने उसकी ख्वाहिश पूरी ना की हो। उसके लिए आपको कुछ देना, उसके ख़जाने में से कुछ कमी नहीं होगी, वो आपको वो सारी बरकतें देना चाहता है जो आप उससे मांगते हैं। लेकिन आपका मकसद वो नेमत है, उसका मकसद आपकी ज़िंदगी को तब्दील करना है। तो अपने मकसद को और खुदा के मकसद को दोनों को सामने रखें और फिर खुदा से कहें कि खुदा ये दरख्वास्त मैंने तेरे सामने रखी हुई है, ये वादा तूने मुझसे किया हुआ है, ये बरकत तूने मुझसे कलाम के ज़रिए से और ईमान के ज़रिए से मेरे साथ की है। अब मैं उस प्रोसेस में हूँ जिससे ये बरकत मैंने हासिल करनी है। मैं तेरे कॉल के मुआफिक फ़कत ईमान रखे हुए हूँ, और ये सिर्फ आपके मुंह के अल्फाज नहीं होने चाहिए, ये आपके दिल की भी आवाज़ होनी चाहिए और ये हकीकत भी होनी चाहिए। तभी मालिक वो हुक्म सादर करेगा कि उसकी बेटी उठकर बैठी और उसने उसको कहा कि इसको कुछ खाने को दो। खुदावंद हम सबको बरकत दे, आमीन।